दोस्तों, फिर हम बात करेंगे कोमोडो के KMD कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 0.307 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसके प्राइस में अभी देखने को मिला है और कल से अभी तक ऑलमोस्ट इसके प्राइस में 100% का पंप देखने को मिला। 0.19 वाले एरिया से इसने 0.35 वाला लेवल ट्राई किया है और अभी भी एक अच्छे लेवल पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। आपने अगर रिसेंट डिप में इस कॉइन को बाई किया है, आपने अगर इस कॉइन में एंट्री ली है, तो अभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। एज अ ट्रेडर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, कौन सा आपके लिए टारगेट्स रहेंगे, कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारी रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.306 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट ओपन है और नाइट के टाइम में इस कॉइन ने मूव लिया, जहां पर 0.193 वाले लेवल से डायरेक्टली 35 वाला लेवल ट्राई किया। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा पंप देखने को मिला, साथ के साथ वॉल्यूम ने भी इस ब्रेकआउट को सपोर्ट किया। यहाँ पर डेली क्लोजिंग की अगर बात करें तो 28 से ऊपर देखने को मिली। प्रीवियस जो जून मंथ वाला लो था, जहाँ पर इस कॉइन ने 0.22 के अराउंड वाला लो बनाया था, वहाँ से भी इतनी रिकवरी इस कॉइन में देखने को नहीं मिली थी। 22 से सिर्फ प्राइस जो है वो 28 तक ही देखने को मिली थी। 28-29 वाला लेवल ही इस कॉइन ने ट्राई किया था उस टाइम पर भी, और वहाँ से वापस इस कॉइन में हमें रिजेक्शन देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला और प्राइस ने अभी रिसेंटली अगर बात करें 0.186 वाला लो बना लिया था। यहाँ पर इस लेवल पर एक अच्छी स्टेबिलिटी थी और यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे थे। कुछ कंडीशन हम इस कॉइन में एंट्री पॉइंट शेयर करने वाले थे, लेकिन तब तक इसमें ब्रेकआउट हो गया। कोई बात नहीं, अगर आपने एंट्री ली है बहुत अच्छी बात है। आपके पोर्टफोलियो में अभी भी अगर ये कॉइन ऐड है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। कल भी हमने कुछ कॉइन शेयर किए जिनमें मूवमेंट देखने को मिला और उनमें भी कुछ प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, 0.306 पर ये ट्रेड कर रहा है। डेली क्लोजिंग अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 28 से ऊपर देखने को मिली है। तो यहाँ पर इस कॉइन के लिए 0.24 वाला एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जो कि प्रीवियसली भी बहुत टाइम से इसने मेंटेन किया, फिर वहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। अभी 24 से ऊपर डेली क्लोजिंग देखने को मिली है, 24 सपोर्ट एरिया है और ऊपर की तरफ अभी 29 से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 29 रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज की डेली क्लोजिंग हमें 29 से ऊपर देखने को मिलती है तो 29 एज ए सपोर्ट देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ 0.35 वाला रेजिस्टेंस एरिया, जिसको तो अभी ट्राई किया था, नॉर्मल रिजेक्शन देखने को मिला। प्रीवियसली अगर देखें, एक चीज़ इस कॉइन के अंदर देखने को मिलती है बीच बीच में, जो अभी जो ब्रेकआउट हुआ, इस टाइप के ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर बात करिए अप्रैल मंथ के अंदर भी इस कॉइन ने 28 से 53 वाला मूव लिया था, अच्छा ब्रेकआउट था, अच्छा ऑलमोस्ट 80-90% का पंप था। उससे पहले अगर देखें तो यहाँ मार्च मंथ के अंदर भी इस कॉइन ने 24 वाले लेवल से 36 वाला लेवल ट्राई किया था, यहाँ पर भी 50% का मूवमेंट था। तो इस टाइप के ब्रेकआउट इस कॉइन में होते रहते हैं, पहले भी हमने देखे थे। दिसंबर मंथ वाला जो लो है 0.17 वाला लो इस कॉइन ने बनाया था, अभी भी 0.19 तक प्राइस, 186 तक प्राइस चली गई थी। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो अपने ऑल टाइम लो पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था। ये देखिए, ये वीकली का चार्ट ओपन है और यहाँ पर वीकली में अगर देखें तो हर बार इस कॉइन से इस में मूवमेंट देखने को मिला है। इस लेवल से इस कॉइन में मूवमेंट देखने को मिला है, ब्रेकआउट देखने को मिले, जहाँ पर हर बार 18 वाले लेवल से। यहाँ पर अगर देखें तो ये 25 जुलाई की बात है, 2022 के अंदर यहाँ पर भी मूव लिया था, 65 तक प्राइस गई थी। किस लेवल से? 18 वाले लेवल से। फिर करेक्शन देखने को मिला था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट लिया था और यहाँ इस कॉइन ने 53 वाला मूव लिया था अप्रैल मंथ के अंदर। अभी अगर बात करें तो वापस इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 18 वाले लेवल से ब्रेकआउट लिया है और अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है
ये स्टेबल नहीं रहेगा, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस एक साल से स्क्वायर ने 3-4 बार इस टाइप के अच्छे खासे मूव लिए हैं, लेकिन उनमें इतनी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली है, उस लेवल को मेंटेन नहीं किया है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वापस करेक्शन देखने को मिला, प्राइस ऑलमोस्ट आपकी वापस 2123 के अराउंड वापस आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर। तो इसलिए अब मैं जो आपको लेवल बताऊँगा वहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है। ये नहीं सोचना कि यहाँ से और भी ऊपर वाले लेवल पर हम सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। प्राइस अगर जाती है तो उसके लिए भी हम कुछ पार्ट बचा के रखेंगे। फर्स्टली तो जिन लोगों ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री ली थी, यानी कि क्विक प्रॉफिट जनरेट करने के पर्सपेक्टिव से, भले चाहे 18 वाले लेवल पर, 1920, 2122 जहां पर भी एंट्री ली, अभी ये 0.31 पर ट्रेड कर रहा है और यहां पर आपको एग्जिट हो जाना है। 100% पार्ट से एग्जिट हो जाना है यहीं पर, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट जो है वो थोड़ा बहुत 3233 तक प्राइस जा सकती है, लेकिन आपको यहीं पर एग्जिट हो जाना है। आप अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो 80% पार्ट यहाँ पर 31 पर एग्जिट हो जाना है और बाकी 20% पार्ट के लिए 32 वाले लेवल पर सेल लिमिट लगा देनी है। इतना आप कर सकते हैं, इसके अलावा 80% से ज़्यादा 20% से ज़्यादा पार्ट आपको नहीं बचाना है। इसके बाद जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो मंथली बेसिस पर होल्ड करके और 40-50% का प्रॉफिट टारगेट रखते हैं, उनको 4-6 दिन के अंदर ही मंथली बेसिस वाला प्रॉफिट निकल के आ रहा है और 40-50% नहीं 80% 70% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वो 3-2 पर देखिए, अभी ये इसने मूव लिया, 3-5-4 को ट्राई किया, फिर 2-8 तक वापस प्राइस आई, यहां से वापस मूव कर रहा है। तो यहाँ से 2 चांसेस बन सकते हैं, वापस ऊपर 3-5 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया उसको ट्राई करेगा, या तो 3-5 को क्रॉस करके और 3-7-3-8 तक वापस ट्राई कर सकता है। जिस टाइप की स्टेबिलिटी है यहाँ पर, सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है, और जिस टाइप से अभी इस लेवल पर स्टेबिलिटी है 3-1-3-2 वाले लेवल पर, तो चांसेस है कि इस टाइप से मूव कर सकता है। लेकिन 3-5 वाले लेवल से नीचे वाले लेवल से ही, यानी कि 3-3-5 या 3-4 से ही रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन बन सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर 3-2 वाले लेवल पर, 3-2 वाले लेवल पर अपना 100% पार्ट से एग्जिट हो जाना है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम बिल्कुल एट टॉप पॉइंट पर सेल कर दें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप अगर कितना भी टाइम मार्केट के अंदर दे आपको हो गया हो, 4 साल 3 साल 2 साल, लेकिन आप एट द टॉप पॉइंट और एक बॉटम पर बाई नहीं कर सकते, बिल्कुल बॉटम पर और बिल्कुल टॉप पर सेल नहीं कर सकते। आपको प्रेडिक्शन करनी रहती है और उस बेसिस पर आपको प्रॉफिट बुक करना रहता है। यहाँ पर 3-2 पर आप 100% पार्ट सेल आउट करेंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करें, अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोवेस्ट एरिया पर आपकी एंट्री है और एक क्विक रिकवरी कॉइन है। इसके अलावा अगर आपने एंट्री नहीं ली है, उस चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में एंट्री नहीं लेनी है। बढ़ते कॉइन के अंदर अभी भी अगर आपने बाई कर लिया है, 3028 पर बाई कर लिया है, तो यहाँ एग्जिट हो जाएं, क्योंकि आपको बाद में लॉस देखने को मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसी टाइप से, और फिर हम बार बार आपको यही चीज़ समझाते भी हैं। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर है और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रोल की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको ओवरऑल कौन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।